जिन्नात के वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या सिर्फ आवाज को बदल जाना जिनके जाहिर होने की जमानत है, या जिन्नात किसी और तरीके से भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं? इस मौजू पर बात करने के लिए आज मैंने यहाँ पर काफी सारे लोगों को बुलाया है, उनको दावत दी है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा आपके साथ मुफ्ती डॉक्टर इमरानुल हक, जो कि प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में। ये हमारे साथ इस्लामी हवाले से डिस्कशन करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि हमारा मज़हब इस हवाले से क्या कहता है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नागपाल साहब, जो कि डिग्री कॉलेज लियारी में होते हैं, और इनसे हम हिंदू स्क्रिप्चर्स के हवाले से बात करेंगे और पूछेंगे कि उसमें जिन्नात की क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फलक नाज हुसैन हसनैन, और वो यहाँ पर हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि क्या मसाइल हो सकते हैं साइकोलॉजी के हवाले से इंसानों में, क्या वो खुद ब खुद कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उनको ऐसा महसूस हो कि शायद जिन्नात का उसके ऊपर असर है। इसके अलावा हमने क्रिश्चियनिटी के हवाले से पास्टर अल्बर्ट भट्टी को यहाँ पर दावत दी है, उनसे भी पूछेंगे कि क्रिश्चियनिटी में क्या है, क्योंकि एग्जॉसिज्म के हवाले से भी एक बहुत ही काफ़ी प्रैक्टिस्ड तस्वुरात हैं, और उनके हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। इतने मुख्तलिफ किस्म के और इतने मुख्तलिफ नौइयत के तस्वुरात हैं इस एक छोटे से मुल्क में कि फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा इमरान साहब से। इमरान साहब, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कल का शो हमारा देखा, हमारी तो हुई, कि आपकी कभी मुलाकात हुई किसी चीज़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महमदून सल्ली अला रसूलिल करीम। जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है तो ऐसे फिज़िकली बाकायदा एक जिन की हैसियत से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ख़ानदानी तौर पर हर एक इससे कोई ना कोई बिलोंग करता है। ऐसे बहुत सारे तजर्बात हैं कि जिससे एक वो इंट्रैक्शन जो इनसे होता है वो मेरे साथ तो ख़ास तौर पर्सनली काफ़ी रहता है। सही। क्योंकि मुझे भी किसी ज़माने में इसमें इन्वॉल्व होने का शौक़ था, कुछ मैं प्रैक्टिस भी की, फिर उसके बाद क्यों छोड़ दिया? डर लगा? डर और उसके मतलब अपने पर्सनल इंसान को डर ना भी हो तो उसके साइड इफेक्ट्स लाजमी उसकी फैमिली पे कहीं ना कहीं जाके पड़ते हैं, जो शुरुआत में ही नज़र आने लग गए थे। तो इसलिए वहीं से फिर मैं उतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं गया कि जिसमें फिर जाके मजीद कोई नुकसान खुदा न खासा सहा जा सके। लेकिन बहरहाल ये एक हमारा ख़ासतौर पर ननियाल से ख़ानदानी सिलसिला था, और बाकायदा जिन जलालुद्दीन नाम से जी वो अटैच था ख़ानदान से, जो अभी तक समझे चला आ रहा है। और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऐसा कोई सताने वाला ताल्लुक नहीं और सताया पहले भी नहीं। पर्सनली मेरे साथ सोते में कई दफ़ा ऐसा मामला रहा है जो आमतौर पर आप सुनते हैं, सीना भारी हो गया वो गया, तो उसके अंदर बकायदे पूरी हमारी सोते में ही उनसे जिद बहस और एक लड़ाई कह लीजिए और आपस में फाइट कह लीजिए, फिर इधर आए पढ़ना अपनी जान छुड़ाना, अच्छा एकदम से ऐसा लगना कि अब मामला ख़त्म हो गया। ये तो अपने पर्सनल वह हैं समझिए तजर्बात। और कभी किसी और शक्ल में देखना, किसी बच्ची की शक्ल में देख लिया, किसी बच्चे की शक्ल में देखा, अभी दो हफ्ते पहले भी एक मेरे साथ एक वाक़या पेश आया कि अच्छा। जो मेरे अपने तजर्बे के लिहाज से कार्रवाई तो नहीं की लगी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। कभी मेरे साथ ऐसा वाक़या नहीं, अजीब लतीफ़ा टाइप का वाक़या ये कि दो हफ्ते पहले रबीउल अव्वल की एक जगह रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग करने के लिए क्लासरूम में उनको आना था। अच्छा। मैं तैयार होकर जाने के बिल्कुल निकल ही रहा था कि मैं अपने वो सैंडल वो ढूंढने लगा कहाँ है, तो मैं घर के कभी बाहर कभी अंदर के चप्पलें कभी गायब नहीं होती, कहाँ गायब हो गई। दो तीन दफ़ा अंदर बाहर चक्कर लगाने के बाद एकदम जब मैं वापस बाहर निकला तो वहीं पड़ी, तो एक नहीं पड़ी भी नहीं, चप्पलें गायब थी। एक सूखा सा लड़का एकदम और सिया उसका रंग था, उसने मुझे एक नज़र देखा और देखते एकदम मेरे गेट घर का गेट खोला था, गाड़ी निकाल दी थी, तो वो देख के मुझे थोड़ा तेज़ चलने लगा। मैं उसको रोका, कुछ काम है? वो कहने लगा नहीं मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा एक मिनट रुकना ज़रा, एक मिनट मैंने रुकने के कहा, वो थोड़ा फास्ट चला, मैंने बस वहाँ से फ़ौरन चाबी निकाली और गाड़ी को रिवर्स करके भागा उसके पीछे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मेरा घर, वहाँ पर बड़ी खुली खुली जगह है, तो मेरी तवक्को थी कि विद इन अ सेकेंड या दिन मैं निकल के भागा वहाँ से, ज़्यादा 30 सेकेंड्स में होंगे कि गली कॉर्नर तक होगा। लेकिन एक गली कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर देखता गया, वो नहीं नजर आया। काफ़ी दूर वो इतना कि उतनी देर में नहीं पहुंच सकता, वहाँ देखा थैले में वो पकड़े जा रहा है। तो मैं दूसरी गली से खामोशी टाना होता, गाड़ी उसके पीछे फास्ट करके भागा। जब मैं उसके करीब पहुँचा उसने मुड़ के देखा, और मुड़ के देखने के बाद वो एक छाड़ी की लंबी रॉ चल रही है, वो उसकी क्रॉस में छुपा है और मैं गाड़ी लेके बस 30 सेकेंड उसके पीछे पहुँच गया हूँ।
वो ग्राउंड इतना कम से कम वहाँ से क्रॉस करने में उसको कम से कम भी एटलीस्ट 3 मिनट तो चाहिए भाग के अगर पार करे। बस इधर मैं मुड़ा हूँ, पहले वो मुड़ा है और गाड़ी में रोकती है, मैंने कभी झाड़ी में कहीं ना पकड़ा जाएगा। मैं वहाँ पे 10 मिनट तक 15 मिनट तक झांकता रहा और लड़के भी जमा हुआ क्या सिलसिला है क्या नहीं, लेकिन वो वहाँ पे नजर नहीं आया। तो बाद में समझाया कि कहानी क्या थी। तो इस तरह के तजर्बात होते हैं। मुलाकात हुई कभी? तकरीबन होती रहती है ऐसे लोगों से मुलाकात जो ये कहते हैं कि उन पर जिन है, लेकिन उनके जिनों से मुलाकात नहीं। बस वो एक ही बात है, क्योंकि उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट होता है और उनकी थेरेपी होती है तो फिर वो कहते हैं कि अब जिन नहीं आ रहा, अब वो नहीं आता, अब हाजिरी नहीं आती। मैं आपको एक मिसाल दूं, कल यहाँ मेरे शो पे जागो पाकिस्तान जागो एक हाफिज साहब यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ आप बैठी हुई वहाँ पर एक खातून मौजूद थी जिनके साथ 7 जिनों का मसला था, पता नहीं 7 या 2 फैमिलीज का मसला था। उन्होंने इन पे हाजिरी करानी थी, हाजिरी वहाँ एक खातून बैठी हुई थी, उन पे हुई, इन पे नहीं हुई, क्या वजह है? अब ये तो खलल है दिमाग का मेरी नज़र में। देखिए, आप जो महसूस करते हैं वो आपके साथ होने लगता है, जो आप यकीन करते हैं वो आपको नज़र आने लगता है। तो ये तो बीमारियाँ होती हैं, जिस तरह से जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं ऐसे ही ज़हनी बीमारियाँ होती हैं। जिन की हकीकत से इनकार नहीं है, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो अल्लाह ने इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, एक दूसरे पे हाजिरी देने के लिए या तंग करने के लिए या उनमें समा जाने के लिए तो नहीं बनाया। तो फिर लोग क्यों कहते हैं, जैसे कल वो एक आंटी बैठी हुई थी यहाँ पर ही हमारे साथ, वो मुझसे बता रही थी कि 2 फैमिलीज उनके घर में रहती हैं और न सिर्फ वो बल्कि उनके बच्चों ने भी उस बात को एक्सपीरियंस किया। और मतलब ये बीमारी, जहनी बीमारी एक इंसान तक हो सकती है, 2 इंसान तक, पूरा पूरा ख़ानदान अगर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे अभी इमरान साहब भी कह रहे हैं कि उनका एक ख़ानदानी चलता आ रहा है एक, तो मतलब क्या सब पागल हैं? नहीं, वो तो अपने अपने तजर्बात हैं। तजर्बात से मकसद क्या है? देखिए, हम अभी भी इस बात का तायुन नहीं कर पा रहे कि क्या ये दिमागी बीमारी है या इसका एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस से हम लोग डिनाइल नहीं कर रहे। नहीं, ये तो तय हो गया कि दिमागी बीमारी है, क्योंकि हमारी नज़र में तो हो गया, क्योंकि जब हम और तमाम जितने भी माहिरीन नफ्सियात हैं अगर आप उनमें से सबसे पूछें तो वो यही बताएंगे कि जब लोग आते थे तो उनकी आवाज़ भी बदली होती थी और उसके साथ साथ उनका बिहेवियर चेंज होता था। और ऐसे नहीं होता कि किसी को बस जिन आ गया तो जिन आ गया, सारी ये सिम्टम्स बदलती हैं, सोना जागना गुफ्तगू चलना फिरना मिलना मुलाकात शौहर और बीवी के ताल्लुकात बच्चों के ताल्लुकात जॉब खाना पीना सब कुछ बदल जाता है तकरीबन। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल माशरे से कट जाते हैं, घर वालों से भी बात नहीं करते जब दिन। और मर्दों पे भी, एक साहब थे कि 25 साल हो गए थे उनकी शादी को, उन्हें ये कहना था कि वो ये कहते थे कि उन पर जिन औरत का साया है, औरत का साया, और उस औरत ने उनको पाबंद किया है कि वो अपनी बीवी से बात ना करें। उनका इलाज हुआ, ये किसी और औरत ने पाबंद किया होगा उनको। अल्बर्ट साहब, आपकी तरफ आओ, एग्जॉर्सिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत कॉमन पाया भी जाता है, होता भी है, बहुत सारी हमने उसके बारे में पढ़ा है, फिल्म्स भी देखी हैं। कल जो यहाँ पे हो रहा था, अगर शायद आपने, आपकी नज़र से गुजरा हो, कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी। लेकिन जितना हमने देखा है और सुना है कि जब किसी इंसान पर किसी जिन की हाज़िरी होती है तो उसकी जो ताकत होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आती, ऊपर नीचे हिलना विलना। कल जो हमने यहाँ पर देखा वो सिर्फ 1-2 लाते और 1-2 थप्पड़ ही थे जो कि एक औरत के ही थे। तो क्या इतनी ही ताकत है जिन में भी जितनी एक आम इंसान में है कि वो एक मौलाना को अपने पास से हटा ना सके या एक पादरी को जो है अपने करीब से दूर ना कर सके? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें यहाँ दावत दी कि इस टॉपिक पर बात की जाए। जी देखिए, मसीहत में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। एक्सॉर्सिज्म की मसीहत में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, अहमियत अगर है तो खुदा की है। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा ने हमें पैदा किया है और हम बिलीव करते हैं, अगर हम खुदा से हटकर कोई बिलीव करते हैं इन चीज़ों पर
हमजात पर, जन्नात पर, बद्रूहों पर इनसे काम लेते हैं, इनसे हमारे लिंक हैं, तो फिर गॉड का ताल्लुक खत्म हो जाता है। सही। अगर हम बाइबल मुकद्दस पर या मसीहत में आते हैं और हमें जो कुछ सिखाया गया है बाइबल मुकद्दस में, उस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारा बिलीव, या हम ये देखते हैं कि खुदा से ज्यादा इनका जोर है, अगर खुदा से ज्यादा इनका जोर है तो खुदा ने इन्हें पैदा किया है, क्योंकि खुदा तो अबलीस की, खुदा तो जन्नात की, बद्रोहों की, दियो की सारी हरकत और सकनात को समझता है। लेकिन एक दियो या एक जन्नात जो है वो खुदा की सोच को नहीं जानता कि वो क्या करने वाला है। अब अगर मेरा बिलीव जमीन की इन चीजों से है जी, कि ये चीजें जो हैं इनसे मुझे काम लेना है, इनको मुझे काबू में करना है, तो काबू में करने से बनिस्बत ये है कि मैं अगर कलाम मुकद्दस में से यर्मिया रसूल की झील और जहां उसका 17 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रितमा की मानित होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है। ठीक है। अब हमारा बिलीव जो है जब खुदा पर है, और हमारे पास बेशुमार लोग मेरे पास आते हैं, मेरा ताल्लुक हीलिंग से है, सुबह से शाम तक ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। आसे भी कुवतों से कैसे आप उन्हें निजात दिलाते? सिर्फ मेरा इतना सवाल, सिर्फ खुदा से दुआ करके, दुआ और खुदा का कलाम पढ़ने से। तो आपको लगता है ये जितने भी क्रिश्चियंस हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो अगर किसी भी आमिल पीर फकीर के पास जाते हैं, जिसके पास जाकर ये सब कुछ कराते हैं, वो गलत है? मैं अपने तौर पे ये बात कहता हूँ कि मेरा जो बिलीव है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, सुनना मसीह के कलाम से। जो कुछ मैंने इसमें पढ़ा, जो कुछ मैंने इसमें सीखा, वो ये है कि सिर्फ मुझ पर बिलीव करना है, यानी कि मुझे खुदा पर भरोसा करना है, और जब मैं खुदा पर भरोसा करूंगा और मैं दुआ, मेरा ईमान क्या कहता है, मैं किसी और पे बात नहीं करता, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं सिस्टर की बात नहीं करता, मैं मुफ्ती साहब की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं कि मेरा बिलीव क्या है। क्योंकि जब हम इब्रानियों के खत में आते हैं, तो इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, और ये सब चीजें जितनी भी हैं हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलती हैं। कितने परसेंट असल जिन्नात है सर इस सोसाइटी में? कितने परसेंट है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इन सब पर खुदा जो है वो इन्हें इनसे रिहाई दे सकता है। बिल्कुल है, ये सब चीजें हैं। ब्रेक लेंगे, कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक। हम टीवी लाया Disney Cine Magic.